मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सियासी गतिविधि बढ़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस, दो प्रमुख सियासी पार्टियां, वोटरों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए यात्राओं का आयोजन कर रही हैं। इस दिशा में बीजेपी द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज से 19 सितंबर को कांग्रेस ने प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करने का निश्चय किया है। इस यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 18 साल के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को गांव-गांव तक पहुंचाना है। गांधी चौराहे पर शुभारंभ समारोह। मंदसौर जिले में जन आक्रोश रैली में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, कुलदीप इंदौरा, अर्चना जायसवाल सहित अन्य नेता उपस्थित रहेंगे। यात्रा 19 सितंबर को भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुरू की जाएगी। मंदसौर के गांधी चौराहे पर शुभारंभ समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके बाद जन आक्रोश यात्रा पीपलिया मंडी, मल्हारगढ़ होते हुए नीमच पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। इन स्थानों से निकलेगी यात्रा। यात्रा 20 सितंबर को नीमच, जावद, मनासा होते हुए गांधी सागर भी पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। इसके बाद 21 सितंबर को यात्रा मंदसौर जिले की गरोठ विधानसभा के गांधी सागर से शुरू होकर भानपुरा पहुंचेगी, जहां एक बड़ी आम सभा होगी। इसके बाद यात्रा दुधाखेड़ी माता जी के दर्शन के बाद गरोठ मेलखेड़ा होते हुए सुवासरा विधानसभा के शामगढ़ पहुंचेगी। यहां शामगढ़ के हृदय में स्थित भगवान शिव हनुमान मंदिर पर एक बड़ी आम सभा होगी। इसके बाद यात्रा सुवासरा सीतामऊ होते हुए रतलाम जिले की आलोट विधानसभा में प्रवेश करेगी। 7 स्थानों से साथ साथ निकलेगी यात्रा। कांग्रेस अपनी जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत 7 स्थानों से करने जा रही है, जिनमें मंदसौर, श्योपुर, छतरपुर, सिंदरौली, रीवा, हरदा और बुरहानपुर शामिल हैं। इन 7 यात्राओं का नेतृत्व संघ के 7 प्रमुख नेताओं ने अपने कंधों पर लिया है। प्रभारी और रथ का रूट चार्ट। जीतू पटवारी मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, शाहजापुर, देवास। डॉक्टर गोविंद सिंह श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, गुना। अरुण यादव छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन, भियापाल। कमलेश्वर पटेल सिंगरौली, सीधी, शहडोल, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सतना। अजय सिंह रीवा, सीधी, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन। सुरेश पचौरी हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुरम। कांग्रेस द्वारा यात्रा का रूट चार्ट और प्रभारी के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें युवाओं को एक परीक्षा सही तरीके से मेरी सरकार 20 साल में नहीं करा पाई, या इसलिए कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या की, विधायक खरीदे बेचे गए और फिर अब वोट खरीदने की प्रोसेस चालू हो गई। इसलिए जन आशीर्वाद चाहिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि 20 साल उन्होंने जो घर घर में त्राई है, जो राशन 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का आता था, सीधा 10 गुना 1000 रुपए का आने लग गया। जो राशन 5000 रुपए का आता था, महंगाई की अत्यधिक मार पड़ते हुए वो सीधा 15000 का आ गया। किस बात का जन आशीर्वाद? अब सिर्फ जन आक्रोश है, और उस जन आक्रोश का पशुपतिनाथ के इस पावन स्थान से हम शुरुआत कर रहे हैं, मंदसौर की इस पावन धरती से शुरुआत कर रहे हैं, और भगवान का आशीर्वाद 100 में से 100 शिवराज जी जाएंगे और कमलनाथ जी आएंगे, बीजेपी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी घर जाएगी और कांग्रेस आएगी। आज गणेश चतुर्थी की, गणेश स्थापना का पावन पर्व है, और उससे बड़ा सहयोग है कि पशुपतिनाथ मंदिर में हमने गणेश आराधना की, और उसी के साथ संकल्प लिया कि मध्य प्रदेश की सरकार जो पिछले 20 साल की अराजकता से प्रदेश मुक्त हो, प्रदेश में जिस तरीके की अराजकता है, वो चाहे भ्रष्टाचार को लेके हो, वल्लभ भवन में 3-3 बार भ्रष्टाचार की जो फाइलें जलाई गई सर्वविदित है, जो मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है, घर घर में इसका एहसास है, भ्रष्टाचार, महंगाई, कुपोषण, बच्चों की मौत, जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त, जिस तरीके से अब लाडली बहना के नाम पर चप्पल
देने की महीनों के बाद जिस तरीके से मिठाई देने की बात, जिस तरीके से जाती हुई सरकार ने बहनों को लालच देने की बात, ये सब बात सर्वविदित है कि घर घर आक्रोश है। और इस जन आक्रोश के खिलाफ मध्य प्रदेश में 7 स्थान से कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा को शुरुआत की। हमने मंदसौर से मालवा की, ये पावन जगह जहां से पशुपतिनाथ जी का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़े हैं। आने वाले समय में आप देखोगे आक्रोश सर चढ़ के बोलेगा, सड़क पे बोलेगा, घर घर में बोलेगा और शिवराज जी की सरकार की न्यू हिला के कांग्रेस की सरकार लाएगा। अब सिंधिया समर्थक जितने भी लोग हैं वो है बीजेपी में वापस शामिल हो गए।